नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके शरीर में, आपको पता है, विटामिन ई की कमी होने लगी है। जी हाँ, शारीरिक विकास और स्वस्थ रहने के लिए विटामिन और खनिज पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी कमी से शरीर को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विटामिन ई भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीमारियों से बचने के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी होने पर बालों, आँखों तथा त्वचा संबंधी बहुत सी समस्याएं होने लगती हैं। विटामिन ई की कमी होने पर शरीर में हमें कुछ संकेत देखने लगते हैं। अगर समय रहते इन इशारों को ना समझा जाए तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको विटामिन ई की कमी के कारण, उसके लक्षणों और इसकी कमी को पूरा करने वाले आहारों के बारे में बताएंगे। कैसे होती है विटामिन ई की कमी, सबसे पहले आप जान लीजिए। कम वसा वाला खाना खाने से शरीर में कई बार विटामिन ई की कमी होने लगती है। इसके अलावा जिन लोगों को आंतों की बीमारी यानी कि क्रोहन और पित्त की समस्या होती है, उनमें विटामिन ई की कमी ही होती है। विटामिन ई की कमी के कुछ लक्षण हैं, उनमें पहला है मांसपेशियां कमज़ोर होना। इसकी कमी होने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई और सेलेनियम की कम होने से मात्रा मायोपैथी की समस्या बढ़ जाती है। मायोपैथी में मांसपेशियां सूखने लगती हैं, फैल जाती हैं या फिर इसमें टेढ़ापन आ जाता है, जिससे शरीर के अंग टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। इससे चलने फिरने में परेशानी होती है। ये बीमारी बूढ़े या बच्चों को होने ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सी परेशानियाँ हो सकती हैं। दूसरा है आंखों की रोशनी कम होना। विटामिन ई की कमी से आंखों का रेटिना और डीजनरेशन पतला हो जाता है, जिससे आंखों की अंदरूनी परत प्रभावित होती है। कई बार आंखों को धुंधला दिखने लगता है और रात के समय कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तीसरा लक्षण है खून की कमी। कई बार शरीर में खून की कमी भी होने लगती है। आजकल ब्लड सेल कम होने और आम है, ये भी इसकी कमी है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति की कमजोरी बढ़ने लगती है। चौथा है बालों का झड़ना। आजकल छोटी उम्र में ही कुछ लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, जिससे गंजेपन की समस्या से गुजरना पड़ता है। तेजी से और लगातार बाल झड़ने का कारण विटामिन ई की कमी होती है। पांचवा है रूखी और बेजान त्वचा। अक्सर सर्दियों के मौसम में स्किन संबंधी बीमारियाँ होनी आम बात है, लेकिन कुछ लोगों की त्वचा हमेशा ही सूखी और बेजान लगती है, जिसका कारण शरीर में विटामिन ई की कमी होती है। छठा है कैंसर। विटामिन ई से कई बार कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का डर भी रहता है। शरीर में विटामिन ई को पूरा करने में शरीर में होने वाली समस्याओं से बचाया जा सकता है। हम आपको बता दें, आप अपने शरीर में विटामिन ई की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। उसके लिए शाकाहारी लोग विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए साग, पत्तेदार सब्जियाँ, मेवे, शकरकंद, सलजम, आम, ब्रोकली, गेहूं, सरसों के बीज, बीन्स, एवोकाडो आदि को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।